पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच चल रहे टकराव के बीच आज मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में खाप महापंचायत हुई और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे की राह के बारे में बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। आपको पहले बता दें कि आज की इस खाप पंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से किसान यूनियन के लोग शामिल हुए थे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को उठाया गया है, फैसला यहां का सुरक्षित है, लेकिन खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सरकार की चाल है कि यूपी में हिंदू मुस्लिम किया, बिहार में लालू का परिवार तोड़ा, हरियाणा में चौटाला परिवार तोड़ा, गुजरात में भी यही किया और अब पहलवानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन पहलवान किसी जाति के नहीं है, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं देश का झंडा लेकर जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में ये लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार जब राष्ट्रपति जी को चुना गया था तो यही कहा गया था कि ये महिला समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और नारी शक्ति को इससे जोड़कर देखा गया था। लेकिन अभी उन्हीं महिला पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो आप सब जानते ही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये बड़ी लड़ाई कैसी होगी, किसान आंदोलन जैसी, और अगर एक बार फिर किसान आंदोलन की तरह इस लड़ाई को लड़ा गया तो क्या इस बार बीजेपी फिर से झुकेगी, क्योंकि अब 2024 के चुनाव सर पर है और भाजपा अब ऐसा कुछ देखना नहीं चाहेगी जिससे उनका ध्यान चुनावों से हटे या फिर चुनाव की राह में उनके लिए मुसीबत बने। धन्यवाद, आप देख रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज।